खबर है सिद्धार्थ नगर से। आपको बता दें, सिद्धार्थ नगर जिले के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के पहल पर सुरक्षा की दृष्टि से जनपद में त्रिनेत्र ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसको लेकर जिले के बांसी तहसील के राप्ती पुल पर कस्बे में स्थित एसके मैरिज हॉल के सौजन्य से सीसीटीवी कैमरा लगवाया गया है। आपको बता दें कि बांसी के नरकटहा तिराहा संवेदनशील तिराहों में से एक है, जिसको देखते हुए पूरे नगर में महत्वपूर्ण स्थान तिराहा हुआ पुल के पास सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, जिसका कंट्रोल रूम का उद्घाटन अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने किया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शहर की संवेदनशीलता को देखते हुए अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए एवं असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए पूरी नगर पालिका क्षेत्र के मुख्य चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे को लगवाया जा रहा है, जिससे अपराधी तत्वों पर निगरानी रखने में सफलता मिलेगी। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी गलत कार्य करेंगे तो कैमरे की नजर में कैद होगा। यह कैमरे 360 डिग्री पर घूमेंगे। कैमरे को वायरलेस सिस्टम से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि कैमरों को वायरलेस सिस्टम से जोड़ा गया है, जिसका रिकॉर्ड 3 माह तक सुरक्षित रहेगा। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए सुचित वर्मा की रिपोर्ट। सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। ये अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश बनाने हेतु, और ये बांसी है जो ये मेन फीडिंग पॉइंट है पूरा बस्ती की तरफ जाने वाला। राप्ती नदी का पुल है, इसको यहाँ पर जो है सीसीटीवी की निगरानी में लिया गया है। आज 4 कैमरे यहाँ पर लगवाए गए हैं। ये एसके मैरिज हॉल के जो स्वामी हैं, उनकी तरफ से सौजन्य से लगवाए हैं, शमीम खान जी हैं, इनके सौजन्य से ये कैमरे लगवाए गए हैं। ये हाई डेफिनेशन कैमरे हैं, 5 मेगापिक्सल के हैं, और 1 महीने के इसमें रिकॉर्डिंग है। और इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, और हम लोग देख रहे हैं जहाँ पर भी आवश्यकता हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगवाते हैं। सर, मॉनिटरिंग कहाँ से की जाएगी इसकी? इसकी मॉनिटरिंग ये जो डिग्री कॉलेज है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इनका रखा हुआ है सेटअप, और वहीं पर इन्वर्टर का बैकअप है, वहीं पर इसकी मॉनिटरिंग है।